जी, आज हम भारत क्वेश्चन ऐप पे काबिन देखेंगे, मतलब जो प्रोजनी होती है हमारी, बच्चे जो पैदा होते हैं पशु के, उसकी एंट्री हमें करनी है। भारत क्वेश्चन ऐप पे जाएंगे। आप सबको पता है कि प्रोजनी जो होती है तो उसमें हमें गेस्टेशन जो पीरियड होता है इसका ध्यान रखना होगा। काऊ में अलग होता है, बुफैलो में अलग होता है, आपको पता है। तो काऊ का पता है आपको कि 280 दिन के आसपास होते हैं, तो ऐसे 8 महीने 20 दिन से लेकर 9 महीने 10 दिन इसका माना जाता है, और 9 महीने 20 दिन से लेकर 10 महीने 10 दिन आपका बुफैलो मतलब भैंस का होता है। ये आइडिया अपने दिमाग में रखिएगा, और एक दो दिन आगे पीछे चल सकता है, कोई समस्या नहीं। जो व्यवहारिक रूप से आपको जो मिल रहा है उसी डेट को आप डालेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मत देखिए कि सिस्टम क्या कह रहा है, अगर जो पशु जब पैदा हो रहा, बच्चा जब हो रहा, तो उसको आप दे देंगे। अब इस समय तो पहले की जो आप काविंग करेंगे, हो सकता है उसका फ़ोटो ना हो, तो अभी फ़ोटो की ज़रूरत है नहीं, तो परेशान नहीं होना है आपको। तो शुरू करते हैं, इसमें चलेंगे सबसे पहले हम काविंग पे। इस पर क्लिक कर दिया हमने, एक्चुअली ये मैं दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से ऑप्शन आता है आपका। ये सारे ऑप्शन जो हैं, AI करना, PD करना, या फिर ये काविंग करना, मतलब प्रोजनी, ये सब आपके एनिमल ब्रीडिंग में आएंगे। इस पर क्लिक किया आपने तो देखेंगे आपका काविंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया आपने। यहाँ टैग नंबर याद है तो टैग नंबर ही आप डालिए, नहीं तो बस पलक का भी नाम डाल सकते हैं। इसको हमने प्रोसीड किया, ठीक है। देखिए नाम आ गया यहाँ पे, मोहन प्रसाद श्री बुजुर्ग के हैं, ये बच्चा दी है, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया आपने, इस पर इस टैग पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड काविंग, यात्रा ऑप्शन सेम ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, एनिमल डिटेल्स ऊपर लिखा हुआ है, एक एरो बना हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो इसका गेस्टेशन डेज दिया हुआ है। तो आज जो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ तो इसके 304 दिन हो गए। एक्चुअली एक कैटल है तो इसका होना चाहिए 280-85 दिन, जो भी है आप 275-277 ऐसे करके जो भी डेट होगा इसका, तो आप उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे। तो काविंग डेट जो है आप यहाँ से ध्यान देंगे, जैसे ही आपने इसको किया, ठीक है। देखिए देखिए अपडेट अपने आप ये कम होता जा रहा है, इसको इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं डेट को। जैसे डेट एडजस्ट कर लेंगे, देखिए 283 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से आप कर लेंगे। क्योंकि ये बच्चा हुआ था 11 सितंबर को, तो मैंने आ दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है नीचे काविंग स्टेटस, तो जो आपके साथ जो हो व्यवहारिक रूप में वो करेंगे, सक्सेसफुल है तो आपका अच्छा है। यहाँ ऑप्शन आएंगे सिंगल या ट्विंस हुए हैं, एक बच्चा दिया है, दो बच्चे हुए हैं। काविंग जो ऐसा है नॉर्मल है कि स्लाइट है कि हैवी पुल, तो नॉर्मली ये था, नॉर्मल कर दिया। बहुत सारे नीचे ऑप्शन है, आपको जरूरत पड़े तो करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे काफ जो है आपका उसकी डिटेल देनी है, यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यहाँ टैग अगर है उसका तो टैग आप लिख देंगे, नहीं टैग है तो आप इसमें ऑप्शन आएगा नो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा कि ये टैग नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप होगा ऑप्शन है, तो जैसे कि रिफ्यूज बाई फार्मर टू अर्ली टू ईयर टैग, छोटा बच्चा था वो नहीं चाह रहे थे कि बच्चे को टैग दिया जाए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप उसमें से जो सूटेबल आपके लिए हो वो करेंगे। यहाँ पे देना होगा कि मेल है कि फीमेल, क्योंकि ये फीमेल थी तो हमने फीमेल कर दिया। यहाँ पे लेंथ और ये गर्थ और वेट, तो यार ये दोनों देंगे तो अपने आप ये काउंट कर लेगा KG को, बट आप KG दे देंगे तो ये अपने आप लेंथ को निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर आपने दे दिया जैसे 35-34 इसी के आसपास, 30 से 35-40 किलो होते हैं बच्चे, तो अपने हिसाब से यहाँ पे दे देंगे, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल अगर अपलोड करिए उतरे, लेकिन बट ये ध्यान रखिए आप, अगर आपने टैग नंबर दिया है तो आपको इमेज अपलोड करना होगा, क्योंकि टैग आपने बनाया तो फिर बच्चे का टैग का आप इमेज देंगे। यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे आप और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, हो गया। रिव्यू और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए इसमें डिटेल आ रही है कि कब की क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे अब फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो गया। हो गया। जैसे अगर आप उसको टैग नंबर देंगे टेम्पररी आईडी मिलेगी, जो 90 डेज में आपको फिर इसको रजिस्टर करना होगा पशु। अगर टैग आप दे देंगे तीन महीने बाद तो पशुपालक आराम से टैग एंट्री करवा सकता है, इसीलिए दिया गया है कि तीन महीने दो महीने पे आप जाके टैग लगा के फिर उसकी एंट्री करते हैं।